नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कार लोन के बारे में कि आप किस तरीके से कार लोन ले सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है और इसके क्या-क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, कोई भी एक परिवार हो उसको अगर घर मिल जाता है या कार मिल जाती है तो वो कहा जाता है कंप्लीट फैमिली हो गई। यानी कि आप जो पिक्चर में देख रहे हैं वो कार और घर के साथ आपकी एक कंप्लीट फैमिली हो जाती है। और लोग बागों का जनरली सपना यही होता है कि मेरा खुद का घर हो, मेरी खुद की एक कार हो, तो कार लोन आपको उसमें मदद कर सकता है आपके सपना पूरा करने में। कार लोन आपको नई कार के लिए भी मिल सकता है और पुरानी कार के लिए भी आप कार लोन ले सकते हैं। अब पर जनरली जो कार लोन मिलता है वो आपको नॉर्मल जो आपके जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उन्हीं पर मिलेगा, SUV इन सब के लिए। कमर्शियल व्हीकल के लिए कार लोन नहीं मिलता, वो अलग लोन होता है। एलिजिबिलिटी ये, अगर यदि आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है और आप 67 ईयर से कम है तो आप कार लोन के लिए एलिजिबल है। जनरली हर बैंक में यही एलिजिबिलिटी होती है। अब रीपेमेंट पीरियड कार लोन का 1 साल से लेके 7 साल तक का रह सकता है, मतलब मैक्सिमम 7 साल तक को आपको पेमेंट करना है, या फिर आप सब तब तक 70 साल की उम्र अटेंड नहीं कर लेते तब तक आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 68 ईयर की एज में लोन लेना चाहते हैं तो आपको 2 साल ही मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड मिलेगा। इनकम एलिजिबिलिटी का अलग अलग क्राइटेरिया है, हर बैंक में अलग हो सकता है। जो स्टेट बैंक में क्राइटेरिया है उसमें ये, अगर आप सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है तो 3 लाख आपकी पर एनम ITR इनकम आपने शो करी हो, और अगर आप खेती करते हैं तो 4 लाख की इनकम आपको होनी चाहिए। कई बार क्या रहता है कि इनकम आपकी कम होती है तो आप क्या करते हैं, किसी और को अपने साथ को एप्लीकेंट एडअप कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी इनकम भी आपके साथ क्लब हो जाती है। मान के चलिए आपकी इनकम 2 लाख है, आपने किसी और को 2 लाख वाले को और अपने में इंक्लूड कर लिया है तो अब आप कार लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो ऐसे को एप्लीकेंट आपकी कार में के लोन एप्लीकेशन में एडअप हो जाएगा। मिनिमम लोन अमाउंट 1 लाख का मिलता है। जनरली हर जगह मिनिमम 1 लाख तो आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कई NBFCs आपको कम भी दे दें, 50,000 75,000, लेकिन आप 1 लाख समझिए। तो ये कार लोन आपको ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में भी मिल सकता है, टर्म लोन में भी मिल सकता है। ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मतलब कि आप पैसा कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आप जितना पैसा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग रहेगी उसी पर आपको ब्याज देना होगा। आज की रेट में, जो अक्टूबर 2020 की अगर मैं बात करूं तो लगभग सभी बैंकों में और NBFC में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% के आसपास चल रहा है। अगर आप लोएस्ट की बात करें तो शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोएस्ट मिले आपको 7.5%। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए कार लोन लेने के लिए, लगभग 700 के ऊपर सिविल स्कोर हो और उसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, वरना नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, क्योंकि कई बार सिविल स्कोर खराब होता है तो अच्छे बैंक हमें लोन नहीं देते, हमें फिर NBFC पे जाना पड़ता है जहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। सिक्योरिटीज के अंदर आपको कुछ नहीं देनी होती, आपकी जो कार की RC होती है उसी पर ही बैंक का हाइपोथिकेशन चार्ज एडअप होता है। अब हम देख लेते हैं कि कितना मैक्सिमम लोन हमें मिलता है, बैंक कौन कौन से क्राइटेरिया देखता है। सबसे पहला देखता है EMI अपॉन NMI रेशियो, फिर देखता है LTV रेशियो, और फिर तीसरा है कि आपने लोन कितने का अप्लाई किया। इन तीनों में जो लोएस्ट होता है वो आपको मिल सकता है। सबसे पहले EMI रेशियो देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है जो मंथली आप जो अर्निंग कर रहे हैं और मंथली जो आपकी अर्निंग सैलरी से डिडक्शन होगा, मंथली सैलरी से जो डिडक्शन होगा डिवाइडेड बाय मंथली इनकम। जनरली 50% आप मान के चलिए, SBI में 5 लाख से नीचे के लिए 50%, 5 से 6 लाख 60%, और 10 लाख के अबव 65%। अब एग्जाम्पल लीजिए, मान के चलिए आपकी सैलरी 6 लाख रुपए पर मंथ, आप 30,000 कमाते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो अगर होम लोन, कार लोन, जितनी भी EMI चलेंगी इस लोन को इंक्लूड करके, तो मैक्सिमम आप रीपेमेंट उनको 30,000 का कर सकते हैं सिर्फ। अब आता है कि LTV रेशियो 85%, लगभग सब बैंकों में 85% आप मान के चलिए। कई लोग 100% ऑन रोड फाइनेंसिंग भी करते हैं, कई लोग इससे कम भी करते हैं, तो ओवरऑल 85% एवरेज है।
अब इसका क्या मतलब हुआ, मान के चलिए आपने कार लेनी है 10 लाख की, तो बैंक आपको 8.5 लाख तक का फाइनेंस कर सकता है उस कार के ऊपर। अब आता है प्रोसेसिंग फीस। चूंकि अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, तो लगभग सभी बैंकों में 0 प्रोसेसिंग फीस है, लेकिन जनरली प्रोसेसिंग फीस 0.5% से लेकर 2% तक हो सकती है। अब अदर चार्जेस में आपको क्या होता है कि स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। जिस स्टेट में भी आप लोन ले रहे हैं, वहां पर जो स्टेट की जो स्टाम्प ड्यूटी है एग्रीमेंट के ऊपर, वो आपको पे करनी है। जनरली 0.1 से लेके 0.3 तक हो सकती है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपको, सिंपल है। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कार जो आप खरीदना चाहते हैं उसकी कोटेशन, 2 साल का ITR, 6 महीने की सैलरी स्लिप, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 2 साल की बैलेंस शीट आपको चाहिए, और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ। अब प्री क्लोजर, अगर यदि हमें जल्दी लोन बंद करवाना है तो क्या करें। अगर जल्दी लोन बंद करवाना है तो जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहाँ 1 साल 2 साल बाद कोई चार्ज नहीं कटता, लेकिन NBFCs में आप 2% तक समझिए तो 0 से लेकर 2% तक की प्री क्लोजर पेनल्टीज आपको देनी पड़ती हैं। अब पेमेंट कैसे होता है, मान के चलिए आपने कोई कार लोन ले लिया है तो उसका पेमेंट कैसे होता है। एक्चुअली बैंक और NBFC डायरेक्टली डीलर को पेमेंट करते हैं, किसी भी तरह के फ्रॉड से बचने के लिए डीलर को पेमेंट हो जाता है, डीलर आपको गाड़ी दे देता है। अब जो रीपेमेंट है उसका क्या तरीका है, रीपेमेंट जनरली अगर यदि आप SBI या HDFC से ले रहे हैं और वहीं आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपके डायरेक्ट सेविंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अगर किसी और बैंक से लोन लिया है और सेविंग अकाउंट किसी और बैंक में, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज के माध्यम से आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान रखना है कि 90 दिन के अंदर आपको ब्याज और प्रिंसिपल पे करते रहना है। अगर आपने 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट NPA हो जाएगा और फिर आपका सिविल स्कोर खराब होगा और भविष्य में कोई भी लोन लेने में फिर आपको दिक्कत आ सकती है। अभी आज की डेट में अगर यदि आपको SBI में कार लोन अब चाहिए, तो SBI में 0% प्रोसेसिंग फीस है और 7.5% आपको चार्ज है। आप योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो भी दिया हुआ है। अब किस किस बैंक में अप्लाई कर सकते हैं, लगभग हर बैंक आपको कार लोन देती है, हर NBFC कार लोन देती है, ICICI बैंक, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एक राय देना चाहता हूँ, जब भी आप कार लोन लेने जाएं तो 2-3 बैंकों में एक साथ अप्लाई करें, तो आपको क्या नेगोशिएशन, क्योंकि आज की डेट में प्रोसेसिंग फीस 0 है, प्रोसेसिंग फीस आपकी लगनी नहीं है, तो आपके पास एक चांस रहेगा नेगोशिएट करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है आप शायद 0.5 या 1% तक का नेगोशिएट कर पाए रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उसी से आपका ही बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि अब आप अगर कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।